सबसे पहले मैं आज हार्दिक अभिनंदन करता हूँ रितेश सर का और टीम इनविंसिबल का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया टीम को होस्ट करने के लिए और इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डेफिनेटली मतलब आज जितना आप लोग सब बेताब है उतना ही हम लोग भी बेताब है, बेताब हूँ कि जगवीर सर को सुनने के लिए। और आज हमारे बीच में जो लीडर है जगवीर सर, उनका उनके बारे में बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे जयपुर के मूल निवासी हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी तक रहे हुए हैं जो शख्सियत है हमारे, और बहुत एक लंबे समय से जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग बहुत करीब से देखा है और बहुत ही इतना करीब से देखा है, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है, और आज डेफिनेटली वो सारी नॉलेज और वो एक्सपीरियंस आज वो अपने हमारे हमारी इस टीम की मीटिंग के अंदर वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि वक्त कम रहता है मीटिंग में और सवाल जवाब वगैरह भी होने हैं और बहुत सारी नॉलेज भी यहाँ पर आज मिलने वाली है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम जगवीर सर को आमंत्रित करते हैं। तो नेक्स्ट आवाज जो है अब आप सुनेंगे वो जगवीर सर की होगी। जगवीर सर, जगवीर साहब की आवाज सबके पास पहुंचे इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम ये जो अपने सुशांत जी हैं एक बार, राकेश मुर्मू और अरविंद, ये सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग म्यूट कर लीजिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो सुनने में। राइट, थैंक यू सो मच। म्यूट कर देता हूँ सर सबको। यस, थैंक यू जगवीर सर। हाँ, तो सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, और मैं सभी का स्वागत करूंगा टीम इनविंसिबल के इस प्रोग्राम में। और मैं जगवीर सिंह जयपुर से, वैसे मैं मोटर इंश्योरेंस में हूं और को फाउंडर टीम इनविंसिबल की तरह से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। और अभी मैं आपके साथ में एटॉमी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, और इन्फॉर्मेशन के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं आज शेयर करूंगा ना उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ ये कहीं ना कहीं से सुना है, पढ़ा है या सीखा है कहीं ना कहीं से। उसमें बुक्स हो सकती हैं, यूट्यूब हो सकता है, कुछ भी मीटिंग फंक्शंस, ये सारी चीजें हो सकती है कहीं ना कहीं, मतलब कॉपी पेस्ट है एक तरीके से, जो काम आप भी बड़े इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको यूज करना है वो यूज करना है अपना कॉमन सेंस, क्योंकि ये जो बिजनेस है टोटली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टोटली कॉमन सेंस का बिजनेस है। कोई भी आदमी यहाँ पे आराम से सफल हो सकता है अगर वो अपना कॉमन सेंस यूज करता है। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर कोई भी बंदा उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, पता इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्लाई करना, अगर वो अप्लाई करता है तो उसके लाइफ में बहुत जल्दी, कुछ महीनों में या ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 5 साल के अंदर 180 डिग्री का चेंज 101% आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शर्त इतनी सी है कि वो कॉमन सेंस यूज करे और लगा रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने साथ अप्लाई करे। अब बात शुरू करने से पहले अब मैं आप सभी लोगों से एक जानना चाहूंगा एक छोटी सी चीज कि कितने लोग हैं आप में से जो बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ में, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं या मैं वेट कर रहा हूं आपका, अगर कुछ आंसर करते हैं आप लोग तो। मैं मान के चलूं सभी लोग बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ में। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आती है, बिल्कुल संदीप जी और बाकी सब लोगों की तरफ से रिस्पांस आ रहा है मेरे को। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि वो जो चेंज है या जो सक्सेस है वो ऐसे तो आना नहीं है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कर रहे हैं और जितना हम जानते हैं उतना ही अगर हम यूज करेंगे तो जो लाइफ आज हम जी रहे हैं उसी लाइफ स्टैंडर्ड को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, बाई चांस लाइफ कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अब लाइफ में देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, अब वो दो तरीके में से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से हैं। अब सबसे पहले तो जो लोग होते हैं वो कभी भी अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बाई लक, मतलब मैं जहां जा रहा हूं जिंदगी मुझे जहां ले जा रही है वो कहीं ना कहीं जाकर के मैं सेट हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं तो किनारे हर आदमी लगेगा ही लगेगा,
लेकिन वो उसकी लाइफ ऑफ जो चॉइस है ना वो नहीं होगी, वो फिर जिंदगी जो उसको देगी उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एकदम सेफ मतलब गेम खेलना चाहते हैं, डिफेंस खेलते थे ना जैसे टेस्ट क्रिकेट जब पहले होता था 20 साल 25 साल पहले जो मैंने सुना था, तो उसमें कुछ डिफेंस खेलने लग जाते थे टुक टुक करके हुए, तो वो लोग भी कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो आदत डाल लेते हैं, वो अपने सपनों को लिमिटेड कर देते हैं और वो अपनी लाइफ में सब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान जो देगा वही मंजूर है बस, और वो कुछ स्ट्रगल करना नहीं चाहते, बस सपनों को खत्म कर देते हैं अपने। दूसरे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सपनों को छोटा नहीं करते हैं लेकिन अपनी इनकम का जो सर्कल है उसको बड़ा करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं, और वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को तलाशते रहते हैं, उन लोगों को तलाशते रहते हैं जो उनको हेल्प करेंगे अपने सभी ड्रीम्स को पाने में, और वो किसी भी हाल में चाहे उनको कितनी पढ़ाई करनी पड़े, चाहे उनको कोई नया काम सीखना पड़े, चाहे कोई इन्वेस्ट करना पड़े, कहीं आना पड़े जाना पड़े, वो सब चीजों के लिए तैयार रहते हैं और वो अपने लाइफ में सारे ड्रीम्स को अचीव करते हैं। अब जो सवाल है वो मेरा नहीं है, वो आपका अपने आप से सवाल होना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी के व्यक्ति हैं, ए या बी, मतलब हु यू आर, पर्सन ए और पर्सन बी, कि आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे या आप अपनी इनकम का जो सर्कल है उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ नए अपॉर्चुनिटीज को तलाश करोगे, और अगर आप पार्ट बी हैं मतलब तो ये सेशन आपके लिए आगे काम आएगा, अदरवाइज अगर आप पार्ट ए मतलब जो पर्सन ए हैं आप कैटेगरी में, तो फिर ये आपके लिए ये मीटिंग किसी काम की नहीं रही है आगे, ठीक है। तो मैं सभी ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी जो यहाँ पर मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं और जो भी YouTube के माध्यम से या किसी भी चैनल से अगर इसको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग वही व्यक्ति हैं जो अपने इनकम सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं। अब देखिए कि ये जो इनकम सर्कल है ना, इसको आप अगले 20 साल में भी बड़ा कर सकते हैं, 30 साल में भी बड़ा कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप 3 से लेकर 5 साल में भी बड़ा कर सकते हैं। वो सारे सपने जो आप लाइफ के एंड में मतलब रिटायरमेंट एज पर जाकर के आप पूरा करने की कोशिश करोगे या प्लान कर रखे हैं आपने, तो उसकी बजाय 20-30 साल के आप इनको 3 से लेकर 5 साल की प्लानिंग भी कर सकते हो, बशर्ते आप अपने आप को कुछ चेंज करने के लिए तैयार हो, आप कुछ सीखने के लिए तैयार हो। तो डिसाइड आपको करना है कि ये 3 साल में करना है या 30 साल में करना है, वो आप ही के ऊपर है, ठीक है। और जो भी आप प्रिफर करें कि मैं 3 साल में पूरा काम खत्म करके बाकी के लाइफ में एंजॉय करूंगा, या मैं 30 साल तक उसी काम में खपता रहूंगा और फिर बाद में मतलब जब मैं एंजॉय करने लायक नहीं रहूंगा तब मैं सोचूंगा कि मेरा जो होना था वो तो हो गया, अब देखते हैं बच्चों का क्या होता है, ठीक है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं। और एक जो मैं चीज आप लोगों से और पूछना चाहूंगा इसके बाद कि अगले कुछ मिनटों की प्रेजेंटेशन के बाद में, मतलब मान लेते हैं कि सब कुछ आपको समझ आ रहा है, तो वो डिसीजन कौन लेगा उसको करने का, मतलब क्या आप खुद वो पावर रखते हैं वो डिसाइड करने के लिए कि मेरी लाइफ के लिए टोटली मैं जिम्मेदार हूं, या आज भी आप अपने आप को वही समझाएंगे कि मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, घर जाके बात करूंगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई एटीट्यूड आपके साथ है या अगर आप सेल्फ डिसीजन भी नहीं लेते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन सारी मेहनत इवन आपकी भी बेकार जाएगी उसके बाद में, तो फिर मतलब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप अपना डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि भगवान हर एक को ब्लैक एंड व्हाइट ही देता है, रंगीन तो जिंदगी को खुद ही बनाना पड़ता है और रंग उसके अंदर खुद ही को भरने पड़ते हैं, और अगर आप सब उसके लिए तैयार हैं तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके काम की है। मैं कहना चाहूंगा उस बीज की तरह, मतलब जो नेचर मतलब एक बीज होता है ना जो पेड़ बनने के लिए होता है, उस बीज को जब मिट्टी में मतलब डाला जाता है तो उसके साथ भी बहुत चैलेंजेस होते हैं कि ज्यादा गहराई में चला गया तो सड़ जाएगा, ज्यादा ऊपर रह गया तो चिड़िया चुग जाएगी, ठीक है, या वो मतलब उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, वो पनप नहीं पाएगा। तो वो जो चैलेंजेस होते हैं ना वो बीज मतलब अपने आप को मिटा देता है, और उस जब वो खुद को मिटा देता है और सारे प्रेशर वो सहन करता है, मतलब धूप पानी आंधी चिड़िया, ठीक है, सब चीजें, तब जाकर के वो पेड़ बन पाता है। तो आप लोगों को भी कुछ उसी तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आप तैयार हैं वो एक बहुत बड़ा सफलता का पेड़ बनने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सारी आपके काम आने वाली है और आपकी लाइफ जो है अगले कुछ मिनटों की इंफॉर्मेशन के बाद में चेंज हो जाएंगी। और देखिए एक चीज जो है यहाँ पे मैं चर्चा शुरू करने से पहले कहूंगा आपको कि आज के समय में जो मैंने अभी कहा था कि चेंज मतलब जो एक नेचर का सबसे बड़ा रूल है चेंज, तो वो जो चेंज ऑफ द सेंचुरी है ना आज के समय में, वो चेंज है ट्रेडिशनल सेलिंग या ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग।
जो जो व्यक्ति इस चेंज को महसूस कर पा रहा है आज, जैसे अभी मैंने इतने समय का चेंज करना पड़ेगा करना पड़ेगा, लेकिन क्या चेंज करना पड़ेगा? वो चेंज यही है कि आज के समय में एक जो एज चल रही है अभी, या जो इंडस्ट्री जो अब सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा डेवलपिंग है, जिसका सबसे ज्यादा स्कोप है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो है ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले मतलब 2025 में, फिक्की की, केपीएमजी की ऐसी रिपोर्ट है ये, मतलब सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी ये रिपोर्ट है कि ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और उस 65,000 करोड़ में से आपको कितना लेना है, मतलब कोई देने वाला नहीं है, यहाँ पे आपकी चॉइस है खुली, आपको जितना पैसा आपको वहां से निकालना है आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में एक इनिशियल स्टेज पर शेयर की जा रही है, ये इंडस्ट्री आज में, आज के समय में मतलब 2,500 करोड़ की ही है, मतलब वो जमीन के अंदर एक पड़ा हुआ बीज ही है अभी, वो खाली उस एटमॉस्फेयर में ही है कि वो सर्दी गर्मी बरसात ही देख रहा है अभी तक, ऊंचा नीचा, वो डेवलप नहीं हुआ है और उसका अंकुर भी नहीं निकला है अभी। 65,000 करोड़ और 2,500 करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री अभी आज कहां पर, किस फेज में। तो 65,000 करोड़ ये इंडस्ट्री जाने वाली है, और अगर आप इस चीज को महसूस कर पाते हैं और अगर आप देख पा रहे हैं तो आपकी लाइफ 100% चेंज होने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो चाहिए वो चाहिए एक विजन। आज के समय में हम उसी को अंधा कहेंगे जिसके पास विजन नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी के पास आंखें हैं तो वो मतलब विजनरी पर्सन है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जिसके पास विजन नहीं है उसको आज के समय में अंधा ही कहा जाएगा, जो समय के साथ नहीं चलेगा उसको लंगड़ा ही माना जाएगा आज के समय में, अगर वो नहीं करता है। अब देखिए यहां पर क्या चीज आती है कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो इतने सालों से चला आ रहा है, अब इस पे किसी ने आज तक ना तो कोई क्वेश्चन किया, ना लोग चेंज करना चाहते हैं। उसका इम्पोर्टेंट, उसका जो एक इम्पोर्टेंट रीजन है ना, वो यही है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम हमको विरासत में मिला हुआ है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम अपना फैमिली एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, सब जगह हम लोगों ने यही देखा है कि ये तो साहब इसी तरीके से काम होता है कि एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और वो एक रूट के थ्रू होते होते एक कस्टमर के पास जाता है और वो उस पैसा देके प्रोडक्ट ले लेता है, और वो 70% उसकी जेब में से किसने निकाला, किसने चोरी किया, उसको पता भी नहीं चलता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि हमें ये नोटिस करना है कि मेरी जेब में से 70% पैसा चुराया जा रहा है। मैं आपसे वो एक छोटी सी मतलब एक इंसिडेंट मैं आपको देना चाहूंगा कि सपोज आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बगल वाले मतलब एक पिक पॉकेटर है, मतलब कोई जेब काट है आपके बगल में बैठा, उसने आपकी जेब से 10 रुपए या 100 रुपए उसने निकाल लिए और आपने उस चीज को नोटिस कर लिया, तो आप क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा उससे करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली मैं ये मान के चलता हूं और हर बंदा करेगा कि तुरंत उसका गला पकड़ लेगा, लड़ाई झगड़े पे उतर जाएगा सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी इनकम का 70%, मतलब अगर आप 10,000 रुपए मार्केट में खर्च कर रहे हो तो 7,000 रुपए वो लोग आपकी जेब में से लेकर के जा रहे हैं, क्या हमें उस 7,000 रुपए का हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई उससे इंपैक्ट आने वाला नहीं है? विजन उसी के लिए चाहिए कि उस 70% से हमारी लाइफ में कुछ चेंज पड़ना है या नहीं। ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग लगभग 70% तक का मार्केट में जाता है। अब ये जो सिस्टम है ना जो हमको विरासत में मिला हुआ, इस सिस्टम में बुराई कुछ नहीं होती है, ठीक है, बस यही है बुराई कि ये हमारी इनकम का 70% लेकर के जा रहा है और जो हमें दिख भी नहीं रहा है और जिसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा पिछड़ने का कारण है या जो हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो यही रीजन है कि एक मोटा इनकम जो है हमारी इनकम का यही लेके जा रहा है, और यही एक जो जिसके साथ हमने एडजस्टमेंट बैठा लिया है उस एडजस्टमेंट को आज के समय में खत्म करना है, बस यही हमको एक चेंज करना है। अब डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से निकल करके उसके अंदर मिडिल मैन कोई नहीं होता और डायरेक्ट एक कस्टमर के पास में चला जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज में और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सब बंदे जानते हैं उस चीज को कि देखो जो भी ड्रीम्स होते हैं ना वो ड्रीम्स सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम से ही अच्छी तरीके से पूरे किए जा सकते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए है ना दुनिया में हर आदमी काम कर रहा है आज के समय में। ज्यादातर लोग, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी 2,500 करोड़ की है, उसका एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर लोग इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मानते, बड़ा बिजनेस नहीं मानते, और इसको मतलब घर घर जाने का, मतलब एक टोपी रखने का, इस तरीके का काम मानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पार्ट टाइम काम आज दुनिया में कौन नहीं कर रहा है पार्ट टाइम काम? अमिताभ बच्चन पार्ट टाइम काम नहीं कर रहा है, विराट कोहली पार्ट टाइम काम नहीं कर रहा है, और अगर आप उनकी मेन इनकम देखें और उनकी पार्ट टाइम इनकम देखें, 500 करोड़ रुपया मतलब मिनिमम एक छोटी सी इनकम मैंने ली है, विराट कोहली अमिताभ बच्चन ये अपने पार्ट टाइम इनकम से बनाते हैं,
अब ये सारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको ये फिगर क्यों दे रहा हूँ ताकि आप उस बिजनेस का पोटेंशियल समझ पाए कि बड़े से बड़ा आदमी भी मतलब पार्ट टाइम में काम कर रहा है और उस पार्ट टाइम की इनकम से ही वो लोग ऐश करते हैं। मेन टाइम मेन जो विराट कोहली की अगर आप वैसे इनकम देखेंगे कि क्रिकेट खेलने से जो इनकम है वो बहुत छोटी सी है, जैसे हम लोग जॉब में करते हैं, जॉब हमारा एक छोटी सी इनकम है लेकिन उस इनकम से हम लोग सस्टेन कर सकते हैं और हम लोग उन चेंजेस को अपना सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब यहाँ पर ये जो है ना एक बहुत बड़ा पैसा उनको जाता है, जैसे अभी मैंने कहा वो 500 करोड़ कमाते हैं पार्ट टाइम में। अब हमें जो चीज यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि वो 500 करोड़ इनफैक्ट है किसका, मतलब क्या वो मैन्युफैक्चरर दे रहा है उनको या वो कोई फैक्ट्री वाला दे रहा है उनको, कोई होलसेलर दे रहा है उनको, डीलर दे रहा है, या पैसा वो घूम फिर करके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है और हमारी ही जेब से निकाला जाता है। ये जवाब आपको अपने आप को देना है क्योंकि देखो इस बिजनेस को करने के लिए एक इंटरनल मोटिवेशन भी चाहिए आपको, और वो जो पावर है ना इंटरनल मोटिवेशन वो आपको ड्राइव कौन करेगा, वो ड्राइव आपको आपके अंदर से ही मिलेगा वो ड्राइव कि उस बिजनेस में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको जब ये पता होगा यार ये मेरा ही तो पैसा है, जैसे आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए थे उस बंदे से अगर किसी ने आपकी जेब काटी है, क्यों क्यों लड़ाई करने के लिए उतारू हो गए और वो पावर आपके अंदर कहां से आई, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज पता थी कि वो पैसा मेरा है और उसने मतलब अनऑथोराइज तरीके से उसने मेरी जेब से वो पैसा निकाला। अब मैं आपको यहाँ पर वही चीज कह रहा हूँ कि वो तो थी एक छोटी सी इनकम, बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन 70% एक बहुत बड़ा इनकम होती है। अब वो अगर कोई आपकी जेब में से 70% निकाल रहा है तो क्या हमें उसको वापस नहीं लेना चाहिए? और जब हमें ये पता चलेगा ना कि ये हमारा ही पैसा है और जब मेरे अंदर एक ये विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये मेरा ही पैसा है और इससे मेरी और मेरी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक अंदर से एक पावर आ जाएगी आपको लोगों के से जाकर के बात करने के लिए। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो चेंजेस आपको अपने अंदर करने हैं वो चेंजेस आपको अपनाने के लिए अपने अंदर डालने के लिए वो पावर आपको अपने आप मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि ये जो 70% वापस लेने का जो सिस्टम है ये भी नया नहीं है, ये भी पुराना है क्योंकि सिर्फ इंडिया में मतलब इसको कम समय हुआ है। देखो ये वर्ल्ड वाइड ये जो वापस लेने का जो सिस्टम है ना, ये वापस लेने का सिस्टम ये वर्ल्ड वाइड शुरू हो गया था लगभग 70 साल पहले, मतलब 65 साल हो सकता है 70 साल हो सकता है, लेकिन 65-70 साल पहले ये वर्ल्ड में शुरू हो गया था कि ये 70% पैसा हमको वापस मिले। और ये इंडिया में जो है ये सिस्टम शुरू हुआ है लगभग 22 साल पहले। यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसकी दस्तक यहाँ पे दी थी लगभग में 20-22 साल पहले इंडिया के अंदर, और 20-22 साल से ये इंडिया में चल रहा है और लोगों ने अभी जो है इसको मानना शुरू कर दिया है कि ये भी बकायदा एक इंडस्ट्री है और यहां से भी लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, यहां पर भी कैरियर बनाया जा सकता है। लोगों ने अब उस चीज को फील करना शुरू कर दिया यहां पर, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर आती है कि ठीक है मैं सब तरीके से तैयार हूं, ठीक है मैं 70% लेना भी चाहता हूं और मैं ये भी समझ गया कि ये मेरा ही पैसा है, ठीक है ये मैं लेना चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो है कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो वाकई ईमानदार हैं, जिनके साथ काम किया जा सकता है, जहां पर की कैरियर बनाया जा सकता है, ये कुछ ही कंपनियां। क्योंकि आज मान लेते हैं कि आप तैयार भी हैं और आप किसी गलत कंपनी में जाकर के फंस गए तो थोड़े समय बाद आप क्या कहेंगे, अरे मैं पहले ही कह रहा था कि ये मतलब काम करते नहीं है और कहीं ना कहीं ये टोपी रखने का काम है। तो ये क्या है कि क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है, नया फील्ड है और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आए हो, कैरियर बनाने के लिए आए हो, तो आपको कम से कम यहाँ पे ये तो पहले ही जजमेंट करना पड़ेगा कि जिस सीढ़ी पे मैं चढ़ने वाला हूँ वो सही दीवार के साथ रखी हुई है या नहीं। क्योंकि अगर आप मान लो ऊपर चढ़ जाते हो, 2-5 साल लगाते हो उसमें अपना कुछ समय पैसा लगाते हो और बाद में पता चलता है यार ये तो कंपनी गड़बड़ निकल गई, ठीक है तो उसमें गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले देखना तो पड़ेगा कि ये ट्रेन जा कहां रही है, ठीक है। और उन्हीं में से एक कंपनी की आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, और ये जो कंपनी है ये एकदम लीगल है, सेफ है, और इन चीजों के लिए देखो मोटा मोटा, क्योंकि एक आम आदमी है वो बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस मतलब लिए हुए अपने दिमाग में नहीं होता, ये सब कॉमन सेंस का बिजनेस है, कॉमन लोगों के लिए ये बिजनेस है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से हम लोग कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, कि यही कंपनी जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं 2009 से
यूएसए, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, कनाडा, जापान, मेक्सिको, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, रशिया, कोलंबिया, है ना, लगभग 17-18 गेस, हांगकांग, इंडिया, ठीक है। इसके अलावा लगभग 40-45 देशों में इसकी प्री लॉन्चिंग चल रही है। अब ये जो इतने सारे नाम है ये मैंने क्यों लिए, ये नाम मैंने आपको सिर्फ ये चीज बताने के लिए लिए थे यहाँ पे कि ये जो सारे कंट्रीज है ना ये बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड, मान लो आप इनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मामले में। यूएसए जो है मतलब 60 साल पहले वहां पर शुरू हो गई थी डायरेक्ट सेलिंग, तो आप 60 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उसको हम लोग मान सकते हैं ना कि वहां पे वो सब तरीके के फेजेस आ चुके हैं, अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन एक्स वाई जेड, सब तरीके के चैलेंजेस वो कंपनी फेस कर चुकी है। तो ये जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं वो कंपनी यूएसए में ही सबसे पहले गई थी और वेल एस्टेब्लिश्ड है वहां पे, नंबर वन मतलब ये काम कर रही है और हर तरीके से गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन सब तरीके के मतलब फॉलो करते हुए और ये कंपनी कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। अभी इस कंपनी का देखिए नाम है एटॉमी। एटॉमी जो एक सुनामी बन करके इंडिया में, जिसका मतलब धमाकेदार एक एंट्री हुई है यहाँ पर इंडिया में, और आज अगर इंडस्ट्री में आप कहीं भी आप बात करेंगे ना तो एटॉमी आपको सुनने में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। ये 2009 के अंदर शुरू हुई थी साउथ कोरिया से, ग्लोबली जो है इन्होंने 2010 में यूएसए से अपनी स्टार्ट किया था। प्रेजेंटली ये करीब 16-17 देशों में अभी मतलब सक्सेसफुली इनका बिजनेस रन हो रहा है और 40-45 देशों में इनकी प्री लॉन्चिंग अभी मतलब चल रही है। वहां पे ग्लोबली भी आप इस मतलब इस वहां पे जाकर के स्पॉन्सरिंग आप कर सकते हैं। ग्लोबल जो रैंकिंग है इसकी कंपनी की, मतलब 2020 के अंदर ये 11वीं रैंक पर थी वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में से, 11वीं रैंक पर थी, जो अभी 11वीं से भी उठ करके मतलब लगभग में 8वीं रैंक पर ये इस साल में क्लोज करेगी वाली कंपनी। और एनुअल जो टर्नओवर है इस कंपनी का 1.3 बिलियन, मतलब इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूंगा तो 9,750 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब ये सारे फिगर्स मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप एक अंदाजा लगा पाए कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। कंपनी जो है ये सबसे मतलब अलग तरीके से काम करती है, जिनमें मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मतलब डिटेल में तो आप मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो अपने आप मिली जाएगी, लेकिन कुछ चीजें जो नोटिस करने वाली है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जीएसजीएस, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे बड़ी चीज है, देखिए अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी ना तो वो बिजनेस कभी भी सस्टेन नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म तक आपको पैसा नहीं आएगा। जो ड्रीम आप लेकर के आए हैं ना कि एक बार मैं यहाँ पर एक अपना नेटवर्क बना लूंगा, एक वहां से मुझे एक रॉयल्टी इनकम आने लगेगी, मेरे बच्चे भी वो रॉयल्टी एंजॉय करेंगे, उनके बच्चे भी रॉयल्टी एंजॉय करेंगे, सब चीज की जो फाउंडेशन है ना वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी ना तो कोई भी रीपर्चेज नहीं आएगी, रीपर्चेज नहीं आएगी तो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जीरो का 10% भी जीरो ही होगा, 70% भी जीरो ही होगा, ठीक है। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो है क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी। और ये जो कंपनी काम करती है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, मतलब वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट हैं, जो टॉप मोस्ट क्वालिटी है वो वर्ल्ड के हर बंदे तक पहुंचाना, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन हब की तरीके से ये कंपनी काम करती है और क्वालिटी इनका सबसे बड़ा फोकस है, जो कि एक मजबूत फाउंडेशन के लिए एक रूट कॉज है, ठीक है। तो ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स के तहत जो है कंपनी पूरे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर कंपनी ने ला करके दे दिए हैं हम सभी को। फिर कंपनी की फिलोसॉफी है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, ये मतलब वर्ल्ड की बेस्ट टू द बेस्ट क्वालिटी और मतलब लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइस हम लोग कैसे ऑफर कर सकते हैं लोगों को, वो कंपनी का एक प्रिंसिपल है यहाँ पर और उसी के तहत ये कंपनी काम करती है। अब इस कंपनी को जो है ना सपोर्ट करने वाला, मतलब कोई भी बंदा खड़ा होता है ना जो उसको पावर मिलती है वो उसके पीछे जो लोग खड़े होते हैं उनसे मिलती है। अब एटॉमी के पीछे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है ना वो कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट वो देखता है। अब ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जिनकी रिसर्च के पीछे मतलब जो रिसर्च करके या जो फार्मूला बनाते हैं उन्हीं फार्मूला पे वो प्रोडक्ट बनते हैं और वो फार्मूला कुछ इस तरीके के भी हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट की उसको नोबल प्राइज दिया गया है उस प्रोडक्ट को। अब नोबल प्राइज आप खुद मानते हैं और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि रिश्वत दे के कभी नहीं खरीदा जा सकता है नोबल प्राइज, तो ये एक कॉमन सेंस से आप खुद डिसाइड करो कि नोबल प्राइज अगर किसी प्रोडक्ट को मिला है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसके लिए मतलब सोसाइटी के लिए उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होगी उस प्रोडक्ट की।
तो वो जो प्रोडक्ट है मतलब किसी भी तरह का, मतलब एक फूड सप्लीमेंट है और किसी भी तरीके का मतलब हेल्थ चैलेंज अगर है तो उन सब चीजों के अंदर वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया कि उस साइंटिस्ट को नोबल प्राइज दिया गया है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका नाम है हीमोहिम। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेल इसी प्रोडक्ट की है, मतलब आप ये गूगल करके देख सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बिकता है तो उसका नाम है हीमोहिम, और वो एटोमी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरी जो इनके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, वो पावर काम करती है कोलमार। ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये एक बहुत ही रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब है और गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये एटोमी के अलावा भी मतलब वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो मतलब जायंट प्लेयर्स हैं, उन सबको भी प्रोडक्ट ये बना करके देते हैं। तो जिनके पीछे ये जो सपोर्ट है, मतलब कैरी का है और कोलमार का है, ये वर्ल्ड में और किसी कंपनी के साथ आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है आपके सफल जीवन के, आपके एक बहुत ही मतलब ड्रीम लाइफ के जो फाउंडेशन है ना, उनके लिए हमको इन चीजों को नोट करने की जरूरत है। और एटॉमी जो है ये फर्स्ट इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है टू रिसीव $100 मिलियन एक्सपोर्ट टावर अवार्ड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये $100 मिलियन का एक्सपोर्ट टावर अवार्ड इनको मिला हुआ है। एक्सटेंडेड रियलिटी, विजन हॉल, ये ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी ने सुनी भी नहीं है। मैंने भी जब एटॉमी मतलब सुना था ना, मैंने हम लॉकडाउन के समय में मैंने सुना था, तो मेरे को ये चीजें मतलब बड़ी अटपटी लगी थी ये चीजें। यार एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है, ये विजन हॉल ये क्या चीजें होती है। एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब घर में बैठे हो आप, और घर में बैठे बैठे आप एक शोरूम में शॉपिंग करने का एक एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। वहां पे आप घर बैठे बैठे आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, आप उसको मतलब अपनी बॉडी पे आप शर्ट है, शूज है, ज्वेलरी है, आप अपनी उस ऐप के थ्रू जो है आप अपनी बॉडी पे आप ये देख सकते हो कि मेरी बॉडी पे कैसा लग रहा है, फिटिंग है नहीं है, कलर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू मतलब ये वाली चीज है। विजन ऑल लाइक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कंपनी को। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है कि आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है। अभी मैं आऊंगा उस चीज पर, ठीक है। आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है, और वो नेटवर्क को मतलब आपको एक नर्चर भी करना होता है, उनको सिखाना भी होता है, संभालना भी होता है, और उनको डेवलप भी करना होता है। तो वहां पे ये विजन हॉल जो टेक्नोलॉजी है वो बड़े काम की, उन लोगों को सिखाने में, समझाने में, हेल्प करने में ये सारी चीजें बड़ी काम आती। फिर उसके बाद में आता है इसी कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम कि उस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए वो एजुकेशन सिस्टम, मतलब आज भी इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है ना, उनमें अगर आप हम लोग एक ड्रॉबैक अगर काउंट करें ना, तो उनका क्या एजुकेशन सिस्टम बड़ा महंगा है। वो जो एक आम आदमी होता है ना, जो एक पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करता है, और वो उस एजुकेशन सिस्टम के खर्चे देख करके पीछे हट जाता है। क्योंकि अब सीधी सी बात है, देखो मैंने कहा था कॉमन सेंस का बिजनेस है, और अगर कोई भी आदमी सीखेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, और अगर उसने सीखा नहीं है तो उसका बिजनेस परमानेंट भी नहीं होगा। और सीखने के लिए क्या चाहिए? अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कोई मतलब बहुत ज्यादा मतलब इंडिया के अंदर पॉपुलर था या वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर था। और जो मैंने कहा कॉमन सेंस देखो क्या कहता है कि देखो डॉक्टर की पढ़ाई अलग होती है, उसके टूल्स अलग होते हैं, उनको प्रैक्टिस अलग तरीके से करनी होती है। मोची के टूल्स अलग होते हैं, उनकी अलग तरीके से प्रैक्टिस होती है। एडवोकेट के टूल्स अलग होते हैं, उनकी पढ़ाई अलग तरीके से होती है। पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है, उनके टूल्स अलग होते हैं। तो क्या नेटवर्क जो मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, अगर इसके जो टूल्स हैं अगर हमको वो यूज करना नहीं आया, तो क्या हम लोग उसको एक सक्सेसफुली डेवलप कर पाएंगे? ये आपको अपने आप को बताना है, और आपको अपने आप को उस सिस्टम में डालना ही पड़ेगा, उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे फ्री है, प्लस फ्लेक्सीबल है। फ्लेक्सिबल कैसे? जब मर्जी तब आप ये कंपनी का मतलब एक अपना ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, वहां पे आप जितना मर्जी उतने सेमिनार जितनी बार रिपीट करके, फास्ट फॉरवर्ड करके, स्लो करके, आधा अभी देख लिया, आधा शाम को देख लिया, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप सीखो, जितनी बार देखना उतनी बार सीखो, और आपको कोई फीस नहीं भरनी है। वहां पे आपने जो फॉर्म साइन कर दिया, बस वही आपके सब चीजों के लिए आपका वो फॉर्म साइन हो गया। एजुकेशन सेंटर पे भी वही हो गया। कैरी के 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, 1500 से ज्यादा पीएचडी हैं, 4000 से के लगभग में रिसर्चर्स हैं, ये सारे ये उनका एक बैक सपोर्ट है, ठीक है। इनके चेयरमैन साहब के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा, वो तो एक्चुअली मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? सर आवाज आ रही है? हेलो Just...
सर आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग का मुझे आप कुछ देंगे क्या ऑप्शन? हाँ सर आपका स्क्रीन पे आ रही है स्क्रीन। अच्छा मेरी स्क्रीन आ रही है जी। नहीं होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट। पहले होस्ट बनाइए, पहले होस्ट बनाइए इनको। संदीप जी यस सर, यस सर। जगवीर सिंह को पहले आप होस्ट बनाइए ठीक है, तब वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। जी सर, सर डन कर दिया सर। कर दिया ठीक है, अभी मैं देख लूंगा। बिल्कुल है ना, याद है इसको मैं कर लेता हूँ शेयर। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर का। ग्रीन, यू आर शेयरिंग स्क्रीन। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या वहां पे? अभी तो नहीं दिख रही। हाँ, अभी दिख रही है, अभी दिख रही है ना एक बार। जी 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 विजिबल है सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप स्टार्ट कीजिए। हाँ तो अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ये जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ एटॉमी, उसके ये फाउंडर हैं और आज की डेट में ये प्रेजेंटली चेयरमैन भी हैं, और इतने ज्यादा ये विजनरी पर्सन है। अच्छा ये भी मुझे करना पड़ेगा है ना। ये बैचलर हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स हैं, ये कोंगी यूनिवर्सिटी है, पीएचडी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वुनसोंग यूनिवर्सिटी से है, ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री नहीं मिशनरी कैनेडियन क्रिश्चियन। ठीक है, 1992 में इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया से शुरू, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से शुरू किया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से। ये यहाँ पर देखिए ये जो है ना 1992 में सर ने शुरू किया था मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इनको वो सारे दर्द और तकलीफों का आइडिया है इनको, कि मतलब कोई भी आम आदमी वो क्या चैलेंजेस फेस करता है, और इन्होंने वो सारी चीजें देखी हुई है। 1995 में इन्होंने हाईएस्ट रैंक जो था एमएलएम का वो अचीव कर लिया। 1999 के अंदर ग्रैंड प्राइज अवार्ड ऑफ कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग इनको मिला हुआ है। फर्स्ट प्रेसिडेंट है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के। 2000 में ये फाउंडर बने हैं imkorea.com के। 2003 में ये वाइस चेयरमैन बने हैं कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड एंड साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के। 2015 में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। ये 2015 में जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उसमें इन सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है कि जमीन से उठ करके इन्होंने खुद ने उन सारी चीजों को महसूस किया है, उन सारे दौर से ये गुजरे हुए हैं, और इसीलिए ये जो कंपनी है इतनी बड़ी इतनी एस्टेब्लिश्ड है। और इतने मतलब इनका जो विजन है ना, मतलब इनका विजन ही इस तरीके का है कि मुझे जो सबसे नीचे जो आदमी है ना, सबसे नया जो आदमी है जो आज ही ज्वाइन कर रहा है, मुझे उसकी सिक्योरिटी देखनी है, मुझे उसकी इनकम देखनी है। क्योंकि उसका रीजन यही है कि इन्होंने खुद ने मल्टी लेवल मार्केटिंग से स्टार्ट किया हुआ है, एक रूट मतलब जो रूट है ना वहां से इन्होंने शुरू किया हुआ है। और 2019 के अंदर ये कोरियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, पीएचडी इन बिजनेस किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया है ना वुनसोंग यूनिवर्सिटी से, और आज की डेट में ये जो है ये प्रेजेंटली सीईओ हैं एटॉमी के। ठीक है, और इसके साथ में अभी नेक्स्ट लाइव अभी जो इसके साथ में जो अभी सीईओ हैं, मतलब ये तो ऑनरी हैं उसके चेयरमैन है अपने पास, और आज की डेट में एटॉमी के जो सीईओ हैं वो ये हैं अपने डैनी किम सर है ना। इनका भी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 1987 से ग्रेजुएशन किया इन्होंने यूनगाम यूनिवर्सिटी से। 1987 से 89 तक वर्क एट लोटो कॉन्फेक्शनरी में काम किया। ठीक है, इनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट डेट में सीईओ हैं एटॉमी कंपनी के। और इसके बाद में देखो मैं आ रहा हूं अभी बिजनेस प्लान पे कि ये जो कंपनी है ना ये अपने को पैसा कहाँ से देगी और हम लोग कितना यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे निकाला हुआ है एटॉमी की। अगर आप खुद की कंपनी की साइट पर जाएंगे ना तो वहां पे एक बिजनेस प्लान दिया हुआ है, और मैं उसी के थ्रू आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि यहाँ पे आपको कुछ भी चीज है, मतलब आपको साइन करने के लिए आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, आप फ्री में इसको साइन करोगे
मतलब मोटी सी चीज है कि वो 70% हमको मिलेगा कैसे, उसके लिए आपको फ्री में एक एग्रीमेंट साइन करना है यहाँ पे। और एग्रीमेंट साइन करते ही जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनके आप खुद ऑनर बन गए हैं, मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स आपके अपने हैं, मैन्युफैक्चरर आप हैं, ऑनर उनके आप हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है, चाहे वो टूथपेस्ट हो चाहे टूथब्रश हो, मतलब बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन आपको महसूस ये करना है कि मैं खुद उन सारे प्रोडक्ट्स का ऑनर हूँ, मैं खुद उन्हीं प्रोडक्ट्स को बना रहा हूँ, और सारा वो जो कैरी का जो सपोर्ट है, कोलमार का जो सपोर्ट है, वो सब आपके लिए हो गया, अब आप ही ऑनर हो उनके, ठीक है। और इसको अगर ये चीज इस तरीके से समझ में नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से अंदाजा लगाएं कि आज सपोज आपको एक टूथपेस्ट और टूथब्रश की फैक्ट्री लगा के मार्केट में अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, तो कितना आपको रिसर्च करानी पड़ेगी, कितने डिपार्टमेंट से जाकर के आपको गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, कितना पैसा लेना पड़ेगा, मार्केट देखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, कितने फिक्स खर्चे आपके सिर पे शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे वो सारी चीजें हट गई है, डायरेक्ट एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट के आप ऑनर बन गए हैं वो एग्रीमेंट साइन करते ही। ये सबसे बड़ी पावर है, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है जो आप जब लोगों से बात करेंगे तब आपके अंदर से झलकना चाहिए, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है वो एटॉमी के थ्रू होनी है और वो इनडायरेक्टली आपके थ्रू होगी एटॉमी की मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फायदे क्या क्या मिल जाते हैं उन उस एग्रीमेंट को साइन करते ही, आप कभी भी यहाँ पे एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। वो डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होगा, मतलब अप टू 25% तक का वो उसके ऊपर डिस्काउंट है, वो हर प्रोडक्ट पे मिलेगा। और ये कोई मतलब लिमिटेड टाइम का ऑफर नहीं है, ये लाइफ टाइम का ऑफर है आपके पास, कि आपको जब भी लाइफ में आप कभी एटॉमी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है। कोई भी रिटेलर आपको मनी बैक गारंटी ऑफर नहीं करता होगा कि भाई आप घर ले जाओ यूज करो और पसंद नहीं आए तो आपके मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन एटॉमी यहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी ऑफर करता है, ठीक है। कोई आपको ज्वाइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर पैकेज नहीं लेना है अपनी आईडी को ग्रीन करने के लिए, आपको कोई प्रोडक्ट घर घर जाकर के नहीं बेचने हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स आपको लोगों के साथ शेयर जरूर करने हैं, उनकी क्वालिटी बताते हुए और उनके फीचर्स बताते हुए और वो क्या मतलब आपको हेल्प करने वाले हैं वो सारे चीजें। आपके जो पर्सनल पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे लाइफ टाइम तक एक्यूमुलेट होंगे, वो कभी भी आपका मतलब माइनस या जीरो होने वाले नहीं है। पर्सनल रैंक जो होगी वो आपकी परमानेंट होगी, सपोज आप इस लेवल में कोई भी अगर आप एक बार रैंक लेते हैं तो वो परमानेंट होगी आपकी, और एक ही आईडी से आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो, सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस। और कोई मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस की जितने भी झंझटबाजियां होती है ना, उधार देना, अकाउंटिंग करना, बैंक की लिमिट, रेंट देना, स्टाफ की कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट है ना, पाइपलाइन कॉस्ट, ये सब मतलब ये आपको कोई भी झंझट मोल नहीं लेना है, सब कुछ एटॉमी ने आपके मतलब आपकी जगह वो सारे झंझटबाजी के काम एटॉमी ने अपने सिर पे ले रखे हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं। एक सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे हेल्प करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी एक पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और यहाँ पे अब सबसे बड़ी चीज आती है कि कोई भी आदमी देखो फ्री में तो काम करेगा नहीं, पैसा उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब पैसा जो चाहिए ना वो यहाँ पे मिलता है आपको केवल रिकमेंडेशन का, और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटे से एग्जांपल से, कि आपने अखबार में टीवी में एक ऐड देखा होगा, अमिताभ बच्चन बोरो प्लस का ऐड करते हैं या नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, तो वो बेचने जाते हैं या खाली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? केवल एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, टीवी पे आते हैं और एक वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और लोग उसको मतलब उस इंफॉर्मेशन के मार्फत से खरीदते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है कि वो जो बंदा प्रोडक्ट बेचता है वो ज्यादा अमीर है या वो ज्यादा पैसे बनाता है या अमिताभ बच्चन साहब ज्यादा पैसे बनाते हैं? एक जना वो प्रोडक्ट बेच रहा है, दुकान लगा के सारे ट्रेडिशनल मार्केट के हैसल्स अपने माथे पर रख करके वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसने पैसा भी लगाया हुआ है, फिक्स 8 से 10 घंटे वो बैठा भी है, और अमिताभ बच्चन साहब 5 सेकंड के 10 सेकंड के एक एड पे आते हैं, वो बता के जाते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ टेंशन भगाओ। अब उसकी टेंशन भागती है या नहीं भागती है? अमिताभ बच्चन साहब की तो जरूर से भागती है, ठीक है। तो ये आपको महसूस करनी है कि पावर किसके अंदर है, पावर इंफॉर्मेशन शेयर करने में है या प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो उस इंफॉर्मेशन शेयर करने पर लगाना है। और
इस इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ आपको एक नेटवर्क अपना आपका एक क्रिएट होता चला जाएगा और आपको वो जो है बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 70% जो टोटल बढ़ता है ना पैसा, जो मार्जिन है, जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता है, उस प्रॉफिट के अंदर उसके कंपनी ने ना मतलब 5 टुकड़े कर रखे हैं वैसे तो, ठीक है। वो 5 टुकड़ों में से हम मोटी जो चर्चा करेंगे ना, वो 2 टाइप की जो इनकम है उसी की करेंगे। अब उसमें सबसे पहला जो प्रॉफिट है दैट इज रिटेल प्रॉफिट, मतलब रिटेल मार्जिन वाला जो प्रॉफिट है, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो उसकी सपोज ले लेते हैं कि यहाँ पे जो MRP है वो 9100 है, और उसको अगर आप एटोमी से खरीद रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 6700 प्लस टैक्स होगा, ठीक है, वो 7906 रुपए का आपको पड़ रहा है। और ये जो रिटेल जो मार्जिन है वो यहाँ पे 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, 1194 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये एक छोटी सी जो इनकम है ये हर बंदा आराम से समझ सकता है। सेकंड जो इनकम है वो जनरल कमीशन आती है, तीसरा आता है मास्टरशिप बोनस आता है, ये जनरल कमीशन जो है ये 44% होता है, और मास्टरशिप बोनस जो है वो ग्लोबल टर्नओवर का 20% होगा। इन दोनों इनकम की हम लोग डिटेल में बात करेंगे और बाकी का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद में आता है एक मास्टरशिप मतलब रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स होते हैं, है ना, मतलब जब जैसे जैसे आप कोई ना कोई जो रैंक है वो आप क्वालिफाई करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड और इंसेंटिव मिलेंगे। और एक होती है एजुकेशन सेंटर की इनकम जो 6% होती है, ठीक है। तो अभी हम जो मोटी बात करेंगे वो करेंगे हम लोग ये 2 तरीके की जो इनकम है, 44% और 20%, है ना, ये इन 2 इनकम की बात करेंगे। अब 44% लेने के लिए हमको जो है ये बिजनेस जैसे ही हमने साइन किया तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया कंपनी ने दिया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे ही आप इस बिजनेस को साइन करते हैं, ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर साइन करते ही मतलब आपको कोई पैसा आना शुरू नहीं होता है। उसका एक क्राइटेरिया यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है कि जैसे ही आप अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं 10,000 पॉइंट्स का मिनिमम, मतलब आपके राइट लेफ्ट में एक एक बंदा होना चाहिए और मिनिमम आपके साथ में 10,000 पॉइंट्स होने चाहिए, और उस 44% में आपको कंपनी एक रैंक देती है, वो होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जैसे ही मतलब लगभग में मैक्सिमम से मैक्सिमम भी मानू आपका वो कोरियर वोरियर सब जोड़ करके 2,500 रुपए के आसपास में अगर आपने परचेजिंग कर ली, कोई सा भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है, तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। और आपके राइट लेफ्ट में जो टीम बन रही है, क्योंकि ये बाइनरी प्लान है और वहां पर पे आपको केवल 2 लोगों को अपने लाइफ में एक बार आप स्पॉन्सर या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे अपने राइट और लेफ्ट में, और वहां पे एक सेल मतलब धीरे धीरे वो लोग भी एक सेल क्रिएट करते हैं, और सेल जैसे ही वो 3-3 लाख रुपए 3-3 लाख पॉइंट से इकट्ठे होते हैं, वहां पे रुपए नहीं है सॉरी वो पॉइंट ही है, है ना, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम भी माने तो अपन लगभग में 45,000 रुपए के अंदर अंदर की सेल होगी वो विद टैक्स और सारी चीजें मिला करके, 45 राइट में 45 लेफ्ट में। तो आपको जो यहाँ पर इनकम होती है ये 44% में से सबसे पहली इनकम होती है आपको 1321 रुपए की। अब ये जो इनकम है ना यहाँ पे कंपनी ने एक चीज बड़े खूबसूरती से कंपनी ने यूज किया हुआ है यहाँ पे, वो किया हुआ है उस पावर का नाम है कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो भी मतलब पॉइंट्स हो रहे हैं ना यहाँ पे 3 लाख तक, वो उस कंपनी वो 3 लाख तक जो पॉइंट्स होंगे वो कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब कैरी फॉरवर्ड करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो नया बंदा है जो अभी सीख रहा है पूरे काम को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो सीख रहा है काम को, इसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये 3 लाख पॉइंट इसके जितने भी मतलब दिनों में इकट्ठे होंगे, वो 1 महीने में हो 2 महीने में हो, जैसे ही वो 3-3 लाख पॉइंट होंगे दोनों तरफ मैच करेंगे, इनको 1321 रुपए की इनकम आएगी और वो पॉइंट हो जाएंगे लैप्स। अब जैसे ये काम सीख रहे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट शेयर किए लोगों के साथ में और उनकी तो इनका खुद का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब खुद के ना मतलब जो ये प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे घर में यूज करेंगे तो इनका खुद का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और मान लेते हैं कि इन्होंने अभी नेक्स्ट जो इनकम है इन्होंने मतलब इनका खुद के भी 3 लाख पॉइंट्स हो गए अभी, तो कंपनी इनकी जो यहाँ पे रैंक देती है, कंपनी इनको एजेंट का रैंक देती है और अभी भी कैरी फॉरवर्ड इनके लिए यहाँ पे अलाउड है 3-3 लाख तक। अब इनके पर्सनल भी 3 लाख पॉइंट हो रखे हैं। सर ये म्यूट ओप्पो 5 करके एक ये हैंडसेट है तो इसमें यहाँ से आवाज आ रहा है सर, ये मुझे देखना पार्टिसिपेंट में ही पड़ेगा ना जाके। जी 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 सर, पार्टिसिपेंट में मैं देख रहा हूँ और एक मिनट देख लेते हैं।
अच्छा ये है, अच्छा ये तो आपका है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिखा जी जी सर, हो गया सर, म्यूट हो गया क्या? ओके हाँ जी, हाँ जी, राइट राइट है ना, कंटिन्यू सर। तो यहाँ पे हम चल रहे थे एजेंट रैंक पर, है ना। एजेंट रैंक पे क्या होगा कि जब इनके जैसे जैसे ये बिजनेस को इन्होंने थोड़ा सीखा, इन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, और ये जैसे इनके खुद के भी पर्सनल 3 लाख पॉइंट हो गए हैं अभी, है ना, इनके खुद के नाम से, और इनकी टीम में भी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अभी भी कंपनी ने अलाउ कर रखा था, इनके राइट और लेफ्ट में जैसे जैसे 3-3 लाख पॉइंट होते हैं, तो इनको अब 1321 की जगह जो इनकम है वो मिलेगी 3964 रुपए, और कैरी फॉरवर्ड की पावर है ये 3 लाख, चाहे 1 महीने में हो, 15 दिन में हो, चाहे रोज हो, अगर ये 3-3 लाख रोज मैच हो रहे हैं तो ये 3964 रुपए रोज कमाएंगे, और अगर इसी हिसाब से हम इनकी महीने की इनकम देखें ना, तो सिर्फ जनरल कमीशन से ये लगभग लगभग में 1 लाख रुपया तक महीना का कमा सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन किया है 25 दिनों का, क्योंकि संडेज जो होते हैं, हालांकि उनको मतलब पीवी एडजस्ट करके आगे पीछे काउंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 25 दिनों का ये एक सेफर साइड में कैलकुलेशन किया, तो मिनिमम 1 लाख रुपए के आसपास ये यहाँ पे बंदा कमा सकता है। और फिर स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट में क्या है कि अगर इनके पर्सनल 7 लाख पॉइंट हो गए हैं और टीम में भी 7-7 लाख पॉइंट रोजाना मैच हो रहे हैं, तो इनको कंपनी और इनकम बढ़ा देती है 7,929 रुपये पर डे तक ये पहुंच जाते हैं, और अगर महीने में हम लोग कैलकुलेट करें तो ये अगर डेली क्लोजिंग हो रही है इतने ही पीवीज की, तो इनको लगभग 2 लाख रुपए ये जनरल कमीशन में से कमा सकते हैं एज ए स्पेशल एजेंट। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो डीलर का है, डीलर में यहाँ के पर्सनल जो पॉइंट्स है वो 15 लाख है, और टीम में भी अगर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ 15-15 लाख पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी पर डे जो मैचिंग कंपनी देने वाली है 15,857 रुपए, और मंथली अगर इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 4 लाख रुपए ये यहाँ से एज ए जनरल कमीशन बना सकते हैं आराम से। और फिर है एक्सक्लूसिव डीलरशिप है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ईडी हम लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे। यहाँ पे पर्सनल पॉइंट्स इनके 24 लाख हो गए हैं, और टीम में 24-24 मैच हो रहे हैं, तो इनको 23,786 रुपए पर डे कंपनी क्लोज करके दे रही है, और लगभग में 6 लाख रुपए महीने तक ये आराम से, मतलब हम लोग अगर डेली मैचिंग हो रही है तो ये लोग आराम से बना सकते हैं, सेफर साइड में हम लोग काउंट करके चल रहे हैं। फिर इसके बाद में जो 2 रैंक्स और हैं, जहां पर कि आपको पर्सनल पॉइंट्स अपने मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आपकी ये वाली जो रैंक है ना एक्सक्लूसिव डीलर, इसी रैंक में अगर आपके यहाँ पे 60-60 लाख पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो आपको 10 लाख रुपए महीने तक मतलब यहाँ पे आप बना सकते हैं, क्योंकि डेली क्लोजिंग पे कंपनी देती है 39,644 रुपए, 2-2 करोड़ अगर पीवी मैच हो रहे हैं आपके तो कंपनी आपको देती है 66,073 रुपए पर डे, मतलब लगभग में 16.5 लाख रुपए तक महीने हम लोग यहाँ पे जनरल कमीशन ले सकते हैं। और लास्ट जो रैंक है यहाँ पे, अगर वहां पे 5-5 करोड़ पीवी रोजाना मैच हो रहे हैं, आपके वही पर्सनल 24 लाख पीवी हैं, तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग में 20 लाख रुपए पर मंथ जनरल कमीशन के थ्रू आप कमा सकते हैं, 80,000 रुपए, मतलब 79,287 है ये पर डे के हिसाब से, तो लगभग लगभग में आप यहाँ पे 20 लाख रुपए तक महीने का जनरल कमीशन ले सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इनकम आती है, ये तो हुआ हमारा जनरल कमीशन 44%। अब एक और जो हमारी इनकम होती है ना, वो कहलाती है मास्टरशिप बोनस। अब वो मास्टरशिप बोनस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे कंपनी आपने मतलब महीने को इन्होंने 2 पार्ट के अंदर बांट दिया है, 15-15 दिन के 2 साइकिल यहाँ पे बना दिए हैं कंपनी ने, और 15 दिन के अंदर में आप रोजाना जो आप सेल कर रहे हैं या जो भी पॉइंट्स आपकी टीम में आ रहे हैं, उनका जनरल कमीशन तो आपको मिल ही गया है डेली क्लोजिंग की तरह। अब कंपनी क्या करती है, इन्हीं 15 दिनों का टोटल भी करती है, अब वो टोटल कर करके वो जो बिजनेस है वो काउंट होता है आपकी मास्टरशिप बोनस के लिए। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मास्टरशिप बोनस के लिए आपको अलग से कोई मेहनत या अलग से कोई बिजनेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, आपके वही 15 दिन का जो बिजनेस होता है वो टोटल करके और आपको मास्टरशिप बोनस यहाँ पे दिया जाता है। अब मास्टरशिप बोनस कंपनी ने कैसे निकाला हुआ है कि इनका जो ग्लोबल जो टर्नओवर है,
उस ग्लोबल टर्नओवर का 20% जितने भी पीवीज हैं, मतलब जो भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जितनी भी सेल है उसके जो 20% पीवी होंगे वो इस ग्लोबल मतलब ग्लोबली जितने भी लोग वो लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जितने भी मास्टरशिप पे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, सेल्स मास्टर हुए, डायमंड मास्टर हुए, उन सारे लोगों के लिए कंपनी ने मतलब डिवाइड कर रखा है कि जैसे फर्स्ट जो लेवल है सेल्स मास्टर, मतलब जो सबसे पहला लेवल है जहां पे कि लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे कंपनी ने उस 20% में से 50% डाला हुआ है वहां पे, मतलब आधे में, बाकी के सारे जो लेवल्स हैं वो हैं टोटली 8 रैंक होती है यहाँ पे, और बाकी के जो मतलब 7 लोग हैं वो तो उस 50% में, और 50% में सेल्स मास्टर अकेला है। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी का विजन कितना अच्छा है और वो कितना मतलब फर्स्ट जो स्टार्टर है जो नर्सरी में है, मतलब एक तरीके से ऐसा मान लें कि उनके लिए कंपनी ने कितनी बड़ी एक सोच रखी है यहाँ पे। अब मास्टरशिप बोनस के लिए मैंने आपको बता दिया कि अलग से कोई काम नहीं करना है, लेकिन वही 15 दिन के जो आपके पीवीज होंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है वो आती है यहाँ पे मास्टरशिप बोनस की, वो है सेल्स मास्टर। अब सेल्स मास्टर क्वालिफाई आप कैसे करेंगे कि पर्सनल अगर आपके 7 लाख पीवी आपने बना लिए और आपकी राइट और लेफ्ट टीम के अंदर 25-25 लाख पीवी हो रहे हैं 15 दिन के अंदर, मतलब फर्स्ट 15 डेज और सेकेंड 15 डेज, तो उनके अंदर अगर 25-25 लाख पीवी आपके मैच हो रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट लेवल पे मतलब 1,40,000 से लेके 2,80,000 रुपए तक पर मंथ आप बना सकते हैं आराम से, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। और जब आप ये लेवल क्वालिफाई करेंगे तो एक जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन, तो कंपनी उस इनकम का भी आप हिस्सा बन जाते हैं यहाँ पे, और कंपनी आपको जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक 2 फेम के सेट और एक इवनिंग केयर का सेट, ये भी कंपनी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड करती है। अब सेकंड जो लेवल आता है डायमंड मास्टर का, यहाँ पे देखो एक और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज कंपनी ने डाली है इसके अंदर, वो चीज है कि सेल्स मास्टर के आगे के जो लेवल है ना वो आप पीवी आप अपने कितने भी कर लो लेकिन आपका नेक्स्ट जो लेवल है ना वो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कंपनी ने सोच क्या रखी हुई है कि जब तक आप अपनी टीम के लोगों को डेवलप नहीं करेंगे, मतलब जो इनकम आपने फर्स्ट लेवल पे ली है 10% जो आपने अकेले ने लिया था ये सेल्स मास्टर का, जब तक आप अपनी टीम के लोगों को सेल्स मास्टर नहीं बनाएंगे तब तक आपका नेक्स्ट जो डायमंड मास्टर का लेवल है वो आपको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके राइट साइड में भी 2 डायमंड मास्टर होने चाहिए, वो सॉरी सेल्स मास्टर होने चाहिए, और आपके लेफ्ट साइड में भी 2 सेल्स मास्टर होने चाहिए। सेल्स मास्टर का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनके 25-25 लाख पीवी हो रहे हैं 15 दिन के अंदर और जिनके खुद के 7 लाख पीवी, इस तरीके के 2-2 लोग जब आप डेवलप करोगे, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो डेवलप करने के लिए क्या करना है, हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनकी टीम में सारे प्रोडक्ट का मूवमेंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्लान दिखाना, सारी चीजें हमें उनको हेल्प करके खड़ा करना पड़ेगा उस सेल्स मास्टर के लेवल पे। और जैसे ही आप 2-2 लोगों को डेवलप कर देते हैं तो आपको कंपनी रिवॉर्ड मतलब नवाजती है डायमंड मास्टर के लेवल से, और डायमंड मास्टर पे आपको ये जो 20% जो ग्लोबल पीवी है उसका 5% कंपनी आपको निकाल करके देगी और वो यहाँ पे 5% सारे डायमंड मास्टर्स में बराबर बढ़ जाएगा। इंडिया में मतलब पहले ही महीने में डायमंड मास्टर क्वालिफाई किया था, हमारे ही अपलाइन में से हैं नितेश मीना जी हैं और बाकी मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया था, मतलब लगभग में 350 के आसपास अभी सेल्स मास्टर क्वालिफाई हो चुके थे और ये डायमंड मास्टर हो चुके हैं ऐसे काफी सारे, ठीक है। अब इनको यहाँ पे कंपनी क्या करती, यहाँ पे इनकम मैं बता दूं पहले आपको कि यहाँ पे 2,80,000 रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक, जिसके अंदर दोनों चीजें आ गई है, जनरल कमीशन भी शामिल है और ये जो 5% इनको मिलने वाला है वो चीजें भी शामिल है इसके अंदर, प्लस कंपनी इनको रिवॉर्ड भी देगी लगभग 40,000 रुपए का लैपटॉप, और जो पहले सेल्स मास्टर पे जो अवार्ड दिए थे मतलब फेम सेट के 2 पैकिंग और 1 इवनिंग केयर सेट का पैक है ना, ये चीजें यहाँ आपको आराम से इसी के साथ मिलने वाली। अब डायमंड मास्टर को अगर अगला उनको लेवल चाहिए तो उनको अपनी टीम में डायमंड मास्टर निकालने पड़ेंगे, मतलब 2 डायमंड मास्टर राइट में, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट में, तब फिर उनको ग्लोबल 20% का 2% उनको मिलेगा और इनकी उस समय जो इनकम होगी इनकी लगभग में जो है यहाँ पे 7.5 लाख रुपए पर मंथ। मैं ये जो भी मैं इनकम बता रहा हूँ आपको मतलब लोअर साइड वाली बता रहा हूँ, मतलब मिनिमम इतना पैसा तो ये लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन में इन लोगों को मिलेगा यहाँ पे 1,20,000 रुपए कैश,
और दो जनों के लिए इनको तीन नाइट 4 डेज का इनको एक टूर पैकेज मिलेगा, और एक जो इनकी टिकट की मतलब कॉस्ट होगी ना एक बंदे के लिए, वो कम से कम 50,000 रुपए के आसपास होगी। और ये सारा चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसी के अंदर चेक कर सकते हैं। और मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ पे ना कि ये लैपटॉप है तो 40,000 रुपए का होगा, है ना, ये सारी चीजें, यहाँ फॉरेन टिकट्स भी यहाँ पे दिखा रखा है कि कितने रुपए का होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जब भी आप ये वेबसाइट को देखेंगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। दूसरी चीज, मैं ये इसी से प्रेजेंटेशन इसलिए भी दे रहा हूं ताकि ये एक इजी वे में डुप्लीकेट हो सके, लोग इसको सीख सके और एक उनको एक विश्वसनीय मतलब एक राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो फील कर पाए कि हाँ वाकई ये सब कंपनी की साइट पर लिखा हुआ है। क्योंकि सही कंपनी और गलत कंपनी में हम लोग डिफ्रेंशिएट भी इसी तरीके से करते हैं। फर्जी कंपनियां होती है वो अपनी वेबसाइट पर कुछ नहीं लिखती है, वो खाली यूट्यूब पे लोगों को प्रमोट करते रहते हैं को, और लोग उसी को देख करके उसके अंदर पैसा लगाते रहते हैं और वो लोग एक दिन में वो कंपनी भाग जाती है और उसके ऊपर कुछ केस वेस करो तो फिर पता चलता है जी हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगा, सब कुछ आपके सामने। नेक्स्ट जो लेवल आएगा यहाँ पे वो स्टार मास्टर का होगा। स्टार मास्टर के लिए 2 शेरोन रोज मास्टर आपके राइट में और 2 शेरोन रोज मास्टर आपके लेफ्ट में, तो इनको 1.2% मिलेगा इस ग्लोबल में से, ग्लोबल पीवीज का। और इनको इंडियन रुपीस में बात करूं तो यहाँ पे इनको 6 लाख रुपया कैश अवार्ड दिया जाता है। इनको 4 जनों के लिए ट्रैवल टिकट दिया जाता है 3 दिन 4 रातों का, और लगभग इनकी टोटल इनकम जो हो जाती है वो 15 लाख रुपए मंथली के आसपास इतना बनाते हैं। और नेक्स्ट जो लेवल है रॉयल मास्टर का, आप यहाँ देखेंगे, हाँ ये रॉयल मास्टर का आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनके जो टीम में मतलब 7 रोज मास्टर होने चाहिए, 2 राइट और लेफ्ट में, और इनकी इनकम होगी लगभग में 25 से 30 लाख रुपए। रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो 30 लाख रुपया इनको कैश रिवॉर्ड मिलेगा वहां पे। इसके साथ में एक और स्पेशल चीज यहाँ पर शुरू हो जाती है कि कंपनी 1,20,000 रुपया इनको पर मंथ एक मतलब प्री लोडेड कार्ड देना शुरू करती है, और वो स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए होता है। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज का मतलब हुआ यहाँ पे कि मतलब बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उनको वो पैसा खर्च करना है, चाहे आप उसके लिए हॉल बुक करो, मीटिंग करो, प्रोडक्ट डेमो दो, लोगों के साथ आना जाना, उनको नाश्ता कराना, कुछ भी करो आप अपने उस बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए। ये 1,20,000 रुपया कंपनी उनको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए देगी। यहाँ पे उनको 60,000 पर मंथ कार रेंटल भी मिलता है, और टूर जो टिकट है उनको 10 नाइट और 11 दिनों का मिलता है। और ये जो टिकट का जो अमाउंट है यहाँ पे, ये लगभग में 2,40,000 होता है पर पर्सन, मतलब ये 10 रातों और 11 दिन के लिए हो गया, 2.5 लाख रुपए पर पर्सन कंपनी खर्च करती है, और इनकी जो इनकम होती है 25 से 30 लाख रुपया पर मंथ। फिर जो ग्राउंड मास्टर का जो ये लेवल है यहाँ पर, ग्राउंड मास्टर आप देख रहे हैं, इनके लिए 2 रॉयल मास्टर राइट 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट, मतलब हर बंदे को अपनी टीम में ऐसे लोग क्रिएट करने हैं कि जो पैसा मैं ले रहा हूँ वो पैसा आपको लेना है। और ये एक कुदरत का भी नियम है कि जब आप देने के लिए मांगोगे ना तो भगवान आपको हमेशा ज्यादा ही देगा, तो इसलिए इस बिजनेस में स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ भी है। यहाँ पे इनकी इनकम हो जाती है लगभग 30 से 50 लाख रुपए के बीच में मंथली इनकम, और इनको ग्लोबल जो पीवीज है उसमें से 0.5% इनका शेयर होता है, और 18 लाख रुपए इनको कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। एक बार मैं देख भी लेता हूँ अभी, है ना, और 3 लाख रुपए पर मंथ इनको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे इनको एक कार भी दी जाती है रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन में, जिसकी कीमत होती है लगभग 40 लाख रुपए, और इनको जो टूर पैकेज है वो 10 रातों का और 11 दिन का दिया जाता है। और इंपीरियल मास्टर जो लास्ट लेवल है, जो ड्रीम लेवल है इस कंपनी में सभी का, वहां पे 2 क्राउन मास्टर राइट और लेफ्ट क्रिएट करने हैं, और टोटल जो ग्लोबल पीवीज है उसमें से 0.3% वो यहाँ पे दिया जाएगा इनको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इनके यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे इनको 6 करोड़ रुपया कैश दिया जाता है एक सेरेमनी के अंदर, मतलब और कंपनी की पॉलिसी है कि ये कैश ही दिया जाएगा ताकि लोग देखें भी, मोटिवेट भी हों, और उसको खुद को भी एक अंदर से एक जोश और एक जुनून उनका जगता है, मतलब सभी लोगों के अंदर कि मुझे इंपीरियल तो जाना ही जाना है। 6 लाख रुपया पर मंथ इनको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। लग्जरी कार दी जाती है यहाँ पे, कंपनी इनको 1700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस भी ऑफर करती है, उसका रेंट लगभग में 1.5 लाख रुपया पर मंथ कंपनी ही पे करती है,
पर्सनल इनको असिस्टेंट मिलता है जिसकी सैलरी कंपनी पे करती है 50,000, ड्राइवर की सैलरी 50,000 पर मंथ। आप सोच के देखो कि 50,000 रुपए अगर किसी ड्राइवर को मिल रहे हैं तो उसकी लाइफ क्या होगी। आज बड़े बड़े मतलब जो फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर है ना, वो भी 50,000 रुपया पर मंथ नहीं बना रहे होंगे बहुत सारे तो। और यहाँ पे कंपनी ड्राइवर के लिए भी आपको 50,000 पर मंथ देती है। टूर पैकेज जो है 4 जनों का मिलेगा, वही 11 दिन 10 रातों के लिए। और इनकम अगर बात करें एग्रीगेट जनरल कमीशन और ये सारे मास्टरशिप बोनस ये सारे मिला करके 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया पर मंथ इनकी इनकम होती है। और ये जो 6 करोड़ मतलब हमारे जो अभी इंडिया के जो टॉप अप्लाई है संजय मेश्राम सर, उन्होंने तो कैलकुलेशन ही ऐसी लगाई थी सर ने कि आज मान लेते हैं कि अगर इस बिजनेस में मैं 6 साल में भी सफल होता हूं और मतलब इंपीरियल बन जाता हूं 6 साल में भी, और मेरे को सिर्फ मतलब और कोई इनकम उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं की सर ने, वो तो खुला बोलते हैं अपने यूट्यूब पे और उन सब में प्रेजेंटेशंस में आप सुन सकते हैं कि 6 करोड़ रुपया मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा ना और आज के से 6 साल बाद भी मिलता है तो मतलब 1 करोड़ रुपया साल की मेरी इनकम तो फिक्स है। अब 1 करोड़ रुपया साल का आज भी इंडिया में कितने लोग बना रहे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी है, कितना स्ट्रगल करना है और कितना टेंशन लेना है, वो सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो सर की इनकम आज मतलब लाखों रुपए महीने की है। मैं बताना चाहूंगा कि उनकी टीम में भी जो एक लेवल है ना उनसे छोटा, मतलब वो मतलब उनके डाउनलाइन में है सावस्कर सर, ताराचंद नारायण सावस्कर सर, 2 महीने की उनकी फैमिली की इनकम 40 लाख प्लस है। उनकी 2 महीने की इनकम 40 लाख प्लस, तो अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। और सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, सारी चीजें आपको इसी कंपनी की साइट पर मिल जाएंगी। मेरा प्रेजेंटेशन वैसे ओवर हो रहा है यहाँ पे, और कंक्लूजन के तौर पे मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं यहाँ से कि देखिये ये बिजनेस जो है ना आपसे केवल 3 चीजें मांगेगा, सिर्फ 3 चीजें। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, वो ड्राइविंग फोर्स आपका होना चाहिए जो आपको एक पावर देगा इस बिजनेस में काम करने के लिए, जो आपकी वजह बनेगी इस बिजनेस में काम करने के लिए। और ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर अगर ये मतलब आपके पास वो वजह नहीं है ना, तो आपको हर चीज के अंदर एक बड़ी मुश्किल लगेगी, यार अब मैं ऑफिस से अभी तो आया हूं, मैं बाहर क्यों जाऊं, ठीक है अभी तो सर्दी हो रही है, अभी तो गर्मी हो रही है, मैं बाहर क्यों जाऊं, वो ड्राइविंग फोर्स। दूसरी चीज जो है आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए मतलब सीखने की और अपने आप को चेंज करने की, क्योंकि जो लाइफ है ना वो विदाउट मतलब चेंज जो है ना वो चेंज होगी नहीं, मतलब वो बाय चांस चेंज नहीं होगी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपने बदलाव करने ही पड़ेंगे और वो आप तैयार होने चाहिए उस चीज को सीखने के लिए, ठीक है। और अगर आप तैयार हैं तो अगले कुछ महीनों या सालों में आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और जो ये बिजनेस जो मांगता है ना आपसे, वो आपको सीखना है उस हिसाब से बस, मतलब जो नॉलेज आपको चाहिए, जो ट्रेनिंग्स आपको लेनी है, जिन लोगों से आपको मिलना है, जो एसोसिएशन आपको चाहिए, वो उस हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है। और यहाँ पे मैं एक आपको स्लाइड और दिखाऊंगा कि देखो अभी जो हो रहा है ना यहाँ पे इंडिया में, अभी क्या हो रहा है कि इस कंपनी की प्री लॉन्चिंग चल रही थी लगभग 3 साल से। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो मतलब ये मार्च के महीने में पता चला, करीब यूं मान ऐसा मान लीजिए कि 16-17 मार्च को मुझे पता चला, 19 मार्च को मैंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उसके पहले जो है ना मैं ये चीज नहीं मान पा रहा था कि मतलब दुनिया में ये जो प्रोडक्ट है ना जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, अब देखो ये 10,000 करोड़ रुपए तो पेड अप कैपिटल दिया है इस कंपनी ने इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, गवर्नमेंट के पास में वो एक डिपॉजिट दे दिया 10,000 करोड़ का। अब 10,000 करोड़ पेड अप कैपिटल दे करके भी इन्होंने ब्यूटी और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट ही लॉन्च किए, तो अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि यार ये मतलब क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं, शैम्पू भी कोई प्रोडक्ट होता है, हेयर टॉनिक भी कोई चीज है, ये कौन खरीदेगा और कौन इनको यूज करेगा, हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट, अब लोग नाम देख करके अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये क्या काम का प्रोडक्ट होगा और ब्राइट करेगा भी या नहीं करेगा, गोरा बनाएगा भी नहीं बनाएगा। अब आप ये स्लाइड देखो, ये स्लाइड कोई कंपनी ने नहीं बनाई है, ये स्लाइड है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब ये स्लाइड ये कहती है यहाँ पे कि वेलनेस के जो प्रोडक्ट है ना, अगर ये यहाँ पे देखेंगे हम कि ड्राइवर्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे 55% का जो शेयर है ना वो वेलनेस इसका है,
वेलनेस, ये दिखा रखा है वेलनेस प्रोडक्ट का, यही वाला है ना, ये एरो यहाँ पे गलत लगा हुआ है थोड़ा सा, नहीं ये 55% जो शेयर है ना ये यहाँ पे आता है, ये वेलनेस प्रोडक्ट्स का आता है। और हीमोइम जिसकी मैंने सबसे शुरुआत में बात की थी ना, वो एक वेलनेस का ही प्रोडक्ट है वो यहाँ पे। और हीमोइम ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको मतलब नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, और वो है, इस तरीके का प्रोडक्ट है कि इंडिया के हर घर में उसकी जरूरत है। तो आपके हाथ में कितनी बड़ी पावर आ गई है, मतलब उसकी डिमांड इतनी है। फिर ये जो कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर है ना, इसका 27% का शेयर है जो कंपनी ने अभी लॉन्च किए हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि 50% मार्केट जो प्रोडक्ट चाहता है ना, वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपके पास है, आपको सिर्फ उन प्रोडक्ट को स्टडी करना है, उनके फीचर्स समझने, उनके बेनिफिट समझने, और जाकर के लोगों के साथ उनके फीचर्स और वो बेनिफिट शेयर करने। आप प्रोडक्ट मत बताओ कि ये हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सिस्टम है, आपको वो नहीं बताना। हाइड्रा ब्राइटनिंग के नाम से कोई वो प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है। आप उनको वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताओ कि ये आपके लिए क्या करेगा। हेयर टॉनिक है भाई, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, आप बाल चाहते हो, ठीक है, तो ये आप अगर बाल बिल्कुल भी झड़ चुके हैं, कोई आदमी गंजा भी है, तो हेयर टॉनिक अगर स्प्रे कर रहा है तो उसके वो बाल एक नेचुरली ग्रो होने लग जाएंगे। तो ये आपने उनको एक सोल्यूशन दिया है उनको। मैं कल का इंसिडेंट बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, कि कल भी मैं एक इंश्योरेंस करने एक कस्टमर के घर पे गया था, और वो जब मेरे सामने बैठे तो उनके सिर में मतलब डैंड्रफ था काफी। तो इंश्योरेंस वगैरह मैंने सब कर लिया, मेरी डील क्लोज हो गई। फिर मैंने उनको कहा, सर आपके सिर में तो बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आप कुछ यूज कर रहे हैं क्या इसके लिए? बोला हाँ यार, काफी चीजें मैंने की है और मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने सिंपल उनको एक चीज बोली, मैंने कहा सर साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ मैं डील करता हूँ, और उनमें बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है, इफेक्टिव उनको रिजल्ट मिला है, परमानेंट उनका एक सोल्यूशन है। उन्होंने मेरे को सिंपल बोला, काम करते हैं क्या? मैंने 101%, क्योंकि मैंने यूज किया हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेके आना आप प्रोडक्ट। आज सुबह मैं उनके घर पे गया, उनके साथ मैंने शेयर किए वो प्रोडक्ट, उन्होंने पैकिंग देख के ही, क्वालिटी देख करके ही, इंग्रेडिएंट्स देख करके बोले यार शैम्पू में भी इतनी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं क्या? और वो मतलब उसी से इम्प्रेस हो गए, वो पैकिंग और वो इंग्रेडिएंट्स देख के। और मेरे पास कंटेंट्स का एक पीडीएफ था, मैंने उनको दिखाया कि सर ये टोटली मतलब ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अब कोरियन है तो पूरी फैमिली एक मतलब पॉजिटिव कन्वर्ट हो गई उनके वहीं देख करके। तो और प्लस एक उनको एक फेथ मिल गया था। आज ही यहाँ पे न्यूज़पेपर में मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी वो जो कटिंग आई थी कि साउथ कोरिया रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। लकीली वो पेपर में भी आज ही आया था, तो वो पेपर भी सामने ही पड़ा हुआ था उनके। तो मैंने कहा साउथ कोरिया गए सर, देख लीजिए आप। तो ये मतलब इससे क्या होगा, आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगी, एक पावर आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। तो जैसे जैसे आप इस बिजनेस की मतलब डेप्थ में चलते चले जाएंगे, आपको वो सारे अपने आप को पावर अपने आप से मिलती चली जाएगी। सो थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा संदीप जी को। जी थैंक यू सर, मैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे विजनरी और जबरदस्त लीडर जगवीर जी का, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में एटोमी बिजनेस की डिटेल और इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत ही प्रशंसनीय है। फिर चाहे वो प्रोफाइल हो, प्रोडक्ट हो, प्लान हो, प्रेजेंटेशन हो, एवरीथिंग उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को भी आपको इसी जूम मीटिंग में सारा सब कुछ इंक्लूड करके और एक बहुत अच्छे पैकेज में आपको दिया है। जैसे एटमी के प्रोडक्ट्स आते हैं जिस तरीके के बेहतरीन पैकेजिंग में आते हैं, सेम उसी तरीके से उतनी ही बेहतरीन पैकेजिंग में जगवीर जी ने अपना सारा एक्सपीरियंस और सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम सब लोगों के साथ में शेयर किया है। तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2006 में जो दक्षिण कोरिया में एक छोटा सा सपना जिस किसी ने देखा था, वो एटोमी के फाउंडर हेंगिल पार्क सर, तो वो आज वो इतना बड़ा पेड़ बन चुका है, इतना बड़ा विशालकाय पेड़ बन चुका है कि इसका फैलाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये बिल्कुल जगवीर सर के बताए हुए उसी पर्सन बी की तरह है जिसने अपने लक पर नहीं बल्कि रेगुलर मेहनत, प्लान, प्रेजेंटेशन, टीम साइज को इंक्रीज करने के लिए जो नेटवर्क बिल्ड किया और जो ताकत लगाई, जिसको रेगुलर बेसिस पे करते रहे, रुके नहीं। इतने लोगों ने रोका टोका, डिमोटिवेट भी किया होगा डेफिनेटली कई बार, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे हर्डल भी आते हैं, लेकिन वो फिर भी रुके नहीं और बढ़ते ही रहे अपने इस सेगमेंट में। तो आज वो बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और हम उनकी ब्रांचेस हैं जो आज 18 से 20 कंट्रीज में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और आगे 30 प्लस और कंट्रीज में भी हम लोग जाने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग राज करने वाले हैं बहुत जल्दी। एटमी जो बिजनेस हमें मिला है वो शायद बहुत ही बेहतरीन है। तो सर ज्यादा देर ना करते हुए मैं सिर्फ अब एक चीज मैं सर से जगवीर सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने होस्ट उनको दिया था,
तो बहुत सारे लोगों के कुछ क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह कुछ होंगे, कुछ लोग जानना चाहेंगे, तो छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। सर कोई जिनके जिन किसी का क्वेश्चन अगर मैं होस्ट आपको ही देना चाह रहा था अभी उसके लिए जी, क्या करना होगा सर आप वहां जाकर के आप मुझे पार्टिसिपेंट्स में हाँ जी वहां जाकर के और आप मेरी प्रोफाइल पे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे होस्ट का ऑप्शन आएगा। अच्छा आपकी प्रोफाइल पे बाकी तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं बारी बारी से लोगों को अनम्यूट कर दूंगा और आप लोग अपने सवाल जो है वो जगवीर सर से डायरेक्टली कर सकते हैं। आपका नाम कहाँ चला गया संदीप जी? ऊपर ही होना चाहिए ना। कहाँ ये रहा? ये सर जी जी इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना इसके साइड में जी। या नाम पे कहीं पे भी सर मतलब वो आ जाएगा सर। Make host, ये सही है बिल्कुल। Do you want to change host to Sandeep? Yes. जी सर सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं और डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि आज फीडबैक भी हमें अच्छे आने वाले हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है आज। प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लगता है सारी चीजें सब क्लियर हैं और डेफिनेट तो फिर लगता है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो है मतलब बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपने सर बताया, मेरे हिसाब से शायद किसी का कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा और बहुत ही जैसा आपने शुरुआत में बात बोली थी कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन करना जिसको कि मतलब एक आम इंसान जो आज या कल ही ज्वाइन हुआ हो वो लोग भी इस तरीके की प्लान प्रेजेंटेशन कर पाए, इतनी आसान शब्दों में आपने जो है वो सारी चीजें रखी, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और सर अभी इसके बाद में बस मैं यही मीटिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और जरूर जल्दी ही एक दूसरी और मीटिंग के साथ मिलेंगे और यहाँ पर हो सकता है कि आज शायद हमसे थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, तो डेफिनेट सी बात है कि अगली मीटिंग्स में इन सारी चीजों को हम लोग दोबारा से सही करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू जगवीर सर, थैंक यू राकेश सर।